जय हिंद दोस्तों। और आज मैं आ गया हूँ हमारे जिला सवाई माधोपुर में सेणोली गांव, जो सूरवाड़ से थोड़ा आगे पड़ता है, 5-7 किलोमीटर, कितना इतना ही पड़ता हुआ ना, 6 किलोमीटर सूरवाल से 6 किलोमीटर पड़ता है, लगभग सवाई माधोपुर से 15 किलोमीटर दूर। और मैं सेवा देने आया हूँ यहाँ पर। और ये आग है, बिग साइज है, लगभग 4-4.5 फीट की लंबाई है। और इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग जिसे हम बोलते हैं, बड़ा प्यारा नाग है, बिग साइज है, अच्छा साइज है। और ये नाले में बैठा हुआ था उनके घर के अंदर। दोस्तों ये मकान है, आशाराम जी प्रजापत सेणोली में रहते हैं। और इनके यहाँ निकल आया है सांप, बिग साइज है, बड़ा प्यारा सांप है और काफ़ी अच्छी हेल्थ भी है और ठीक ठाक है। ये बता रहे हैं 3-4 दिन से घुस रहा है इसमें, है 30 तारीख को घुसा था, 30 तारीख को नाले में घुसा था। बढ़िया अच्छा सांप है और ये नाग है, तो हम यहाँ से इनको रेस्क्यू करते हैं और पुनर्वास हेतु इसको रणथंभौर के जंगल में छोड़ देंगे, रणथंभौर अभ्यारण्य में छोड़ेंगे इसको, इसके नेचुरल माहौल में। दोस्तों मुझे टेलीफोन करके बुलाया है मुकेश जी प्रजापत ने और उनके मार्फत ही ये जीव बचा है आज। और मैं इनके परिवार को और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और जो भी इनके आसपास पड़ोसी रहते हैं, जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वन विभाग की तरफ से, पर्यावरण की तरफ से और हमारी स्नेक रेस्क्यू टीम की तरफ से, हमारे चैनल स्नेक कैचर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर की तरफ से। और ये हमारे मुकेश जी हैं और इनके ही ये बदौलत ये बचा है, इन्होंने मेरे को टेलीफोन किया है और मैं यहाँ आया हूँ। अब इसको लेके चलते हैं, बड़ा प्यारा सांप है और बहुत सुंदर है, और डब्बा लिया है, इसमें छेद हो गया है, बढ़िया ठीक है भाई साहब, सही है। तो दोस्तों हम इसको लेके चलते हैं और मिलते हैं आपसे इसकी रिलीजिंग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम।